ये एड्रेस कटोट है, ये डालूंगा मैं आप इसमें। और इसकी सोलो में बल्ब उड़ते हैं और वायरिंग जलती है। बल्ब भी चेंज करूंगा और लेट कटोट भी चेंज करूंगा मैं इसमें। और इसकी रोशनी भी बहुत तगड़ी करेगी भैया। ये गाड़ी है ब्रेजा, ब्रेजा कार है, वाले बल्ब लगे हुए हैं इसके बल्ब पे। ये तो कोई लोकल कंपनी है। 55 एम्पियर है। अब मैं डालूंगा 100 एम्पियर और ये वाली एलईडी कटोट लगाऊंगा पूरी ये नहीं डालूंगा। मैं अब ये हेडलाइट कटआउट डालेंगे और इसको पूरी तरीके से तैयार करेंगे ताकि ये लाइट ठीक हो जाए। और ये देखिए बाकी का टाइपिंग हो रही है, दोनों साइड कटआउट भी लगेंगे। ब्रेजा की गाड़ी है। ये हेडलाइट कटआउट का तार है, ये देखिए रेड कलर है इसमें। ये हेडलाइट कटआउट का तार प्लस में लगेगा, बैटरी के अंदर प्लस में लगेगा ये, इस जगह ये आपको दिख रहा होगा, ये इसमें लगेगा ताकि करंट आए। और ये हो गया, ये अंदर वाले तार हैं, ये जो गाड़ी के डंडी से सप्लाई आती है। ये वाला है लो, ये वाला है हाई। जो ये अंदर कटोट के अंदर कटोट है ना, ये किट के अंदर वाला है जो पतले वाले वायर, ये तो लगेंगे इसके अंदर जो डंडी से आते हैं। ये वाली है लो वाली लाइट और ये वाली है, ये हाई वाली है, ये लो वाली है। अभी लगाए हैं थोड़ी बहुत, पूरा फिटिंग करके पूरी जानकारी देंगे आपको। लेट भी इसकी रोशनी बढ़ जाएगी, बल्ब नहीं उड़ाएगा और सर्विस भी बहुत अच्छी है इसकी। बस ये देखिए, ये H7 12 वोल्ट का है, शॉक का इसमें वो है, हाई लैंप से। और ऐसे ही बाकी के दूसरे भी बल्ब लगाए जाएंगे इसी के, इस किट में ये लगाए जाएंगे। ये दूसरा बल्ब हाई वाला, ये देखिए इसमें ये 12 वोल्ट का ही है। ये देखिए ये इनके फ्यूज है, शॉर्ट सर्किट पे कभी भी, ये शॉर्ट सर्किट में कभी भी हो जाए, अगर आपके भी कभी ऐसा हो तो आप इसमें चेंज कर सकते हो इस फ्यूज को। ऐसे दो आ रहे हैं, ये देखिए हाई और लो का, हाई और लो का है। ये हाई वाली लाइट है, ये अर्थिंग का तार है, ये मेन तार है। और ये ड्राइवर साइड की वायरिंग क्या है क्लिप, और ये हेडलाइट कटआउट है, इधर फिटिंग की अपन ने। ये इसके फ्यूज है और ये अर्थिंग इधर करने से कभी लाइट उड़ती नहीं है, लाइट बल्ब उड़ते नहीं है, बल्ब में कोई कम रोशनी में कम तेज में कोई दिक्कत नहीं होती है डायरेक्ट में लगाने में। इधर बॉडी अर्थ करते हो आप तो कभी प्रॉब्लम होती है, गाड़ी जिस टाइम गड्ढे में गिरती है। बोलो, ये हेडलाइट कटोट का सी है अपने, इधर ऐसा टाइट होनी चाहिए फुल, कभी भी लूज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए हेडलाइट कटोट में। ये इसके मेन फ्यूज है, ये लो वाली लाइट है, ये मेन फ्यूज है। कभी भी इसमें ऐसा आता है, देखो आप 30 एम्पियर का आता है ये वाला फ्यूज है, ये कंपनी का साथ भी है, ऐसा फ्यूज आता है। और ये लो वाली लाइट है, इसमें आता है वायर, इसमें सेकंड एक्शन होता है डंडी से जो सप्लाई आती है वो वाला। ये हाई वाली लाइट है, ये लो वाली है, इधर का ये हाई वाली लाइट है, ये लो वाली है। और ये अर्थिंग का तार हो गया अपन ने, अर्थिंग का तार, ये अर्थ का तार, अर्थ का तार हमेशा ब्लैक कलर का होता है। और ये है अपने मेन वायर, करंट वायर जो हमेशा लाल कलर का होता है। और इसके अंदर ये जा रही है, ये हमेशा टाई के साथ करनी चाहिए ताकि वायर की सिक्योरिटी रहती है, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। और ये अब ड्राइवर साइड जा रही है, ये रहे ड्राइवर साइड के, ये जो लगेंगे इधर अंदर लो और डिम में, ये रहा वायर, ये इस तरीके से कट आउट होती है पूरी लगती है। हर गाड़ी में कट आउट होनी चाहिए। ये देखिए ये ड्राइवर साइड के तार है दो, ये अंदर वाले वायर है, इनको अपन को फ्री रखना है, इसके अंदर नहीं जोड़ना। ये हेडलाइट कटआउट के तार हैं, इसमें अपन लगाएंगे। और पुराने जो तार है कंपनी के आ रहे हैं, इसको अपन को बाहर रखना, ठीक है ना, बंद कर दे दो मिनट ये लगाते हुए। आपको बता दें, और कटआउट का पहला फायदा ये होता है तेज रोशनी पड़ती है,
और कभी इतना यूँ टेंशन नहीं होता है ब्लप उठने का करने का। कटआउट का पहला फ़ायदा ये है, और कई फ़ायदे हैं कटआउट के, क्योंकि कटआउट होने से जल्दी ब्लप उड़ा नहीं करते हैं। और प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियो और पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबा दे। ओके हाँ दोस्तों, पूरा ये रेडी रेट है, मैंने किट लगा के पूरा कंप्लीट कर दिया, और वायरिंग एकदम वेल ओके ली है मैंने, क्लिप लगा के पूरा। ये वाली रेड लड़ी होगी और ये वाली लड़ी होगी, आई वाली अब ये लग रही है और लो वाली ये लग रही है। देख के दिन के अंदर ही देख लो आप कितनी रोशनी बढ़ गई इसकी, बहुत शानदार लाइट पड़ रही है, ठीक है ना। और आप भी ऐसे ही करना, अगर किट लगाना है तो एलईडी कटआउट लगाना है आपको। ये ब्रेजा कार है उसकी है। वीडियो को लाइक करना।